नमस्कार मित्रांनो, हसताय ना, हसत राहा, अभ्यास करताय ना, करत राहा, कारण नीट द्यायची. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक दॅट वी आर गोइंग टू फेस टुडे, रादर दिस टॉपिक इज मोर लाइकली टू बी देअर इन अ एग्जाम. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक वी हॅव एन नंबर ऑफ क्वेश्चन्स विच अपियर इन अ नीट. एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड खोदना है, मरोड़ना है, निचोड़ना है और उससे क्वेश्चन समय करने हैं. टॉपिक इज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेटोजेनेसिस में गैमेट आर बीइंग फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड दीज गैमेट्स आर फॉर्म विद इन द गोनैड्स. द गोनैड्स एज वी आर अवेयर आर ऑल्सो नोन एज सेक्स ग्लैंड्स. Testes in a male and ovaries in a female. So when we consider these gonads, the major site of gametogenesis. Before going in detail with gametogenesis, let us get acquainted with four words. The first word is going to be, just बाकी आप छोड़ दो, आप यहाँ पे concentrate करो. ये चार word आपको अभी समझ में आया, गैमेटोजेनेसिस को समझना बहुत ही आसान है. सो सबसे पहला यहां पे आएगा प्राइमोर्डियल जर्म सेल. पहला वर्ड कौन सा है? प्राइमरी जर्म सेल और प्राइमोर्डियल जर्म सेल. ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है ये गोनाइड्स में बनते रहते हैं, हमेशा बनते रहते हैं. ये डिप्लॉइड इन नंबर है. ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल किससे बनेंगे? तो जर्मिनल इपिथेलियम. अब ये जर्मिनल इपिथेलियम कहां पे? उसके लिए रेफर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टेस्टिस एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरीज. टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो ग्लैंडुलर इपिथेलियल है, नॉट ग्लैंडुलर, जर्मिनल इपिथेलियल है. एंड ओवरी का आउटर जो मेम्ब्रेन है, ओवेरियन कॉर्टेक्स का लाइनिंग, दैट इज अ जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स. सो दीज जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स विल बी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जिनका नंबर इज डिप्लॉयड. यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है दे विल एक्ट एज गैमेटोगोनिया. इन द सेंस स्पर्म आएगा तो स्पर्मेटोगोनिया, ओवम आएगा तो ओगोनिया. नाउ ये प्रोसेस होने तक सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं बाय सिंपल माइटोसिस प्रोसेस. एक बार ये गैमेटोजेनिया हो गया, गैमेटाइनजिया बोलते हैं हम लोग उसको, एक्चुअली गैमेटाइनजिया, ये विल अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. सेल प्रोड्यूस करेगा ये और सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेल प्रोड्यूस करेगा. एंड हमें पता है मियोसिस के दो पार्ट से मियोसिस 1 मियोसिस 2. दो मियोसिस के बाद में आपको एक सेल से चार सेल्स बनते हैं. ये सबसे बेसिक है, ये आपको पक्का आया बस. तो यहां पे गैमेटेंजिया में क्या हो जाएगा, या गैमेटोगोनिया में मियोसिस फर्स्ट विल टेक्स प्लेस, प्रोड्यूसेस हैप्लोइड सेल एंड सेकंड में मियोसिस कंप्लीट होगा, यू विल गेट 4 हैप्लोइड गैमेट्स. तो ये फर्स्ट मियोसिस का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी गैमेटेंजिया. एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी गैमेटेंजिया. दिस सेकेंडरी गैमेटेंजिया, नॉट गैमेटेंजिया, प्राइमरी गैमेटोसाइट, सेकेंडरी गैमेटोसाइट, हियर GIA गैमेटेंजिया से क्या बनेगा? प्राइमरी गैमेटोसाइट, सेकेंडरी गैमेटोसाइट. ये दोनों जब बन गए एंड सेकेंडरी गैमेटोसाइट इज नथिंग बट योर गैमेट. जनरल प्रोसेस बताया है जहां पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का पहले तो मल्टीप्लीकेशन में माइटोसिस डिवीजन होगा, देन एक्चुअल गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस विल टेक्स प्लेस विच विल रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ये जनरल स्टेप्स आप पक्का उसको रट के ले लो. आप कौन से जनरल स्टेप्स रटना है आपको? तो जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स, मतलब जहां से गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स और प्राइमरी जर्म सेल्स, गैमेटेंजिया या गैमेटोगोनिया,
देन फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस. फर्स्ट माइटोसिस का प्रोडक्ट विल बी प्राइमरी गैमेटोसाइट, देन सेकेंड माइटोसिस का प्रोडक्ट विल बी सेकेंडरी गैमेटोसाइट. एक बार ये आया, थोड़ा सा एक दो मिनट के लगा तो आप क्या करो, या इसको रोक दो यहां पे, ये जो सीक्वेंस है ये पक्का रट ले लो. ये रट गया, आगे का काम आएगा. अभी इसके आगे के टॉपिक में डायग्राम इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि डायग्राम आपका बाय हार्ट है तो एक्सप्लेनेशन एकदम इजी जाएगा. तो इसलिए आपका एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको दोनों डायग्राम साथ में मिलेंगे, ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के. हम एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं. हम अभी ये पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, इमीडिएटली स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे, फिर गैमेटो ओजेनेसिस पढ़ेंगे, इमीडिएटली स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ेंगे. बात समझ में है ना? तो जैसे रोक के आप आगे जा सकते हैं. नाउ कम बैक टू स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अ स्पर्मेटोजेनेसिस इज, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हम सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं. ऑलराइट, तो जैसे ये स्पर्मेटोजेनेसिस की बात आएगी, नाउ किसी ने आपको पूछा व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसको बोलने के लिए सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और वर्ड यूज करेंगे स्पर्मेटिड. ये इमैच्योर स्पर्म के लिए वर्ड यूज होगा, स्पर्म इज अ मैच्योर स्पर्म. फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्मेटिड बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, या द प्रोसेस इन विच स्पर्म्स आर फॉर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस. हियर स्पर्मा मतलब सीड्स. आप प्लांट किंगडम में, प्लांट में हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, तो वहां पे हमने वर्ड यूज किया स्पर्मा. स्पर्मा माने सीड. गेटिंग इट नॉट? और जेनेसिस इज डेवलपमेंट, जनरेशन. गेटिंग इट नॉट? सो हियर स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ एज आई टोल्ड यू, दिस स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट इज इन अ गोनेड, दैट इज ह्यूमन टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर यू हैव अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. आपको अगर वो डायग्राम याद है तो वी हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच आर बीइंग स्पेशली लाइन बाय दीज क्यूबॉइडल इपिथेलियल, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन से सेल्स से होगा, ये जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स. एंड जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स के बीच में आपको कौन से सेल्स मिलेंगे, तो ये टॉल पिलर लाइक सेल्स. इफ यू रिमेम्बर, नहीं इफ यू नहीं, यू मस्ट रिमेम्बर. भैया पिछला आया तो ये करो, नहीं है रुको, पिछला पक्का करो फिर यहां पे आओ, नहीं तो आगे गड्ढा है. आपको बार बार बोल रहा हूं मैं, है ना? नीट गरीब साल नहीं कर, तुम्हें नीट नीट बोले तो इन मराठी इट इज नीट, है ना? तो नीट के लिए पढ़ना है तो नीट पढ़ो, नहीं तो नीट घर बैठेंगे. ये बहुत सिंपल है. तो ये सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स है इफ यू रिमेम्बर. एंड दीज सर्टोली सेल्स, ये जर्मिनल एपिथेलियल, बीच में कौन से सेल्स आते हैं, यस इंटरस्टिशियल सेल्स. तो फिलहाल तो वी आर इन द सर्ज ऑफ दीज सेल्स. सर्ज वर्ड कहां गया था ये, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में. तो यहां पे ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो गए, आपको क्या क्या देंगे, ये स्पर्म्स देंगे. तो यहां पे वन मोर टाइम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टेस्टिस के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है. यहां पे प्रोडक्शन में व्हाट हैपेंस, रादर ये पूरा जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स है टेक्स प्लेस इन थ्री मेजर स्टेप्स. उसमें से पहला स्टेप जो है इट इज मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन. सेकेंड स्टेप इज ग्रोथ. सेकेंड स्टेप कौन सा है, ग्रोथ. एंड थर्ड स्टेप इज मैच्योरेशन. हियर मैच्योरेशन इन्वॉल्व्स, अभी मल्टीप्लीकेशन में माइटोसिस का प्रोसेस टेक्स प्लेस. हियर आई एम जस्ट मेंशनिंग यू इन अ क्विक सक्सेशन, सो आपको भी फटाफट याद हो जाएगा. ये मल्टीप्लीकेशन में व्हाट इज इन्वॉल्व, माइटोसिस का प्रोसेस. देन ग्रोथ विल बी देयर. ग्रोथ में व्हाट विल हैपन कि सम ऑफ द सेल्स विल एक्वायर मोर साइटोप्लाज्म, दे विल बिकम मोर ग्रेटर इन साइज, एंड नाउ विल एक्ट रादर दे विल से मेरोडाम. मतलब वो कुछ सेल्स जो हट्टे कट्टे मोटे हो जाएंगे वो बोलेंगे अभी हमारा ग्रोथ हुआ तो हम सबको हाँ सबसे बड़े हो जाएंगे. तो वो ग्रोथ में, एक बार ग्रोथ हुआ, ग्रोथ सो ग्रोथ में देर विल बी अक्यूमुलेशन ऑफ फूड. अक्यूमुलेशन ऑफ फूड
फूड के बाद में साइटोप्लाज्म में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे एंड मैच्योरेशन में मियोसिस विल टेक्स प्लेस, मियोसिस वन एज वेल एज टू। बात समझ में आई है? सो ओवरऑल प्रोसेस ऑफ अ गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स। विच थ्री स्टेप्स? मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। लेट अस फॉलो वन बाय वन विथ रिस्पेक्ट टू द डायग्राम। अभी ये बात छोड़ के आप यहां पे ध्यान दीजिए। पहला स्टेप हमारा जो है इट इज अ मल्टीप्लीकेशन फेज विच टेक्स प्लेस ये पार्ट में, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियल। जर्मिनल एपिथेलियल का हर एक सेल विल अंडरगो माइटोसिस डिवीजन और बहुत ज्यादा प्राइमोडियल सेल्स बनाता रहेगा। सो जर्मिनल एपिथेलियल विल बी फॉर्मिंग क्या? प्राइमोर्डियल एपिथेलियल। इसलिए मैंने पहले जो आपको जनरल चार स्टेप्स दिए बहुत जरूरी है। ये प्राइमोर्डियल सेल्स का नंबर बहुत बढ़ जाएगा। आपको आपको पता भी है कि एक टाइम पे अगर इजैक्युलेशन स्पर्म्स रिलीज हो गए तो तीन मिलियन भैया, एक दो नहीं, 3 मिलियन चाहिए। तो उतना मल्टीप्लीकेशन यहां पे चाहिए। मल्टीप्लीकेशन हो गए, ये स्पर्मेटोगोनियम तैयार हो जाएंगे। मतलब प्राइमोर्डियल स्टेम सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड फॉर्म स्पर्मेटोगोनियम। इन द सेंस अभी स्पर्मेटोगोनियम मतलब क्या है कि नाउ दीज सेल्स आर रेडी फॉर ग्रोथ एंड फर्दर डिवीजन। अगर रेडी नहीं है तो ये आके डिवाइड होते जाएंगे, 2 के 4, 4 के 8, 10 डिवीजन इनके हो गए तो 1032 सेल्स तैयार होते गो फॉर माइटोसिस का नॉर्मल 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। याद है कि नहीं? 128 into 256, 256, 512, 512, 1024। कितने डिवीजन हो गए देखो, तो ये सेल्स तैयार हो जाएंगे इतना नंबर में। नाउ ये सेल्स विल डिसाइड टू एक्वायर मोर फूड एंड बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो मल्टीप्लीकेशन फेज में कंटिन्यूस माइटोसिस टेक्स प्लेस दैट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ मेनी स्पर्मेटोगोनिया। यूएम इज सिंगुलर एंड आई ए स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे। नाउ वी आर कंसिडरिंग ओनली वन हियर, इसलिए मैं बोलता हूं यहां पे क्या, स्पर्मेटोगोनियम दिस वन अकेला है। ये सब में से ये सेल को हम बता रहे हैं, ये हर एक सेल के साथ में ये प्रोसेस इसके आगे होगा। नाउ ये क्या हो जाएगा, मस्त बैठ बैठ के एकदम खाना वाना खा जाएगा, मस्त मोटा हो जाएगा, इट विल शो ग्रोथ। नाउ स्पर्मेटोगोनियम विच हैज एक्वायर्ड फूड हैज एनलार्ज्ड इन साइज, साइटोप्लाज्म और एक्टिव हुआ है, वो सेल विल नाउ एक्ट एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोगोनियम एंड स्पर्मेटोसाइट? सेल्यूलर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है, ये थोड़ा छोटा है, ये एकदम हट्टा कट्टा है, पहलवानी है, बस इतना ही फर्क याद रखो। एक बार वंस दिस स्पर्मेटोगोनियम या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया तो इट विल अंडरगो मियोसिस डिवीजन एंड मियोसिस इज नथिंग बट मैच्यूरेशन विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, प्रोड्यूसेस टू हैप्लोइड सेल्स, फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ इसके लिए माइटोसिस मियोसिस बहुत जरूरी है, पक्का जरूरी है। मियोसिस के सारे स्टेप्स जरूरी है। यहाँ पे मियोसिस वन होगा, मीन्स इसमें से आपका प्रोफेज वन का क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विल टेक्स प्लेस एंड वेरिएशन आ जाएंगे, बराबर एक नहीं है? हाँ। सो अभी ये पहला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। वी हैड अ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इधर, फर्स्ट मियो सेकंड मियो, जैसे ये हो जाएगा यू विल गेट 4 हैप्लोइड इमैच्योर स्पर्म। कैसे? इमैच्योर स्पर्म। तो ये जो 4 हैप्लोइड इमैच्योर स्पर्म्स है उनको हम बोलेंगे क्या कि स्पर्मेटिड्स, दे विल बी रेफर्ड एज स्पर्मेटिड्स। सो व्हेन वी कंसिडर दीज एस्पेक्ट्स की यहां पे स्पर्मेटिड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, 4 स्पर्मेटिड्स जो कैसे हैं, हैप्लोइड है, कितने बन गए ये, 4, एक सेल से 4 हो गए, ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। एंड दिस प्रोसेस ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही हो रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जैसे जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस में ये आते रहते हैं, बाय द टाइम ये स्पर्मेटिड अंडरगो फिजिको केमिकल चेंजेस।
मतलब जो पूरे राउंड राउंड सेल्स हैं, दे विल गेट सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स लाइक दे विल एक्वायर अ टेल, दे विल एक्वायर अ मिडल पीस, दे विल एक्वायर अ हेड और बॉडी और उसके जैसे बहुत सारे सेंट्रियोल्स आ जाएंगे. सो उनके बीच में नेक रीजन भी आएगा. मैंने छोटा छोटा लिखा है, नहीं भी आया ये ध्यान में तो इसके बाद का इमीडिएट टॉपिक आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, तो वहां पे आपको याद रहेगा, वहां पे ये मैं ऐसा ही रखने वाला हूं तो आपको समझ में आएगा वहां. सो मियोसिस विल फॉर्म क्या, स्पर्मेटिड्स विल अंडरगो फिजियोकेमिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एक्वायर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स. ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के बाद में व्हाट यू गेट इज मैच्योर स्पर्मेटोजोआ. ओके, यहां पे स्पर्मा मतलब सीड्स, जोआ इज एनिमल, मतलब एनिमल के सीड्स, स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ. बहुत सिंपल है, गेटिंग इट और नॉट. तो यहां पे ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ है. तो जब प्रोसेस जहां पे स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और गेटिंग फिजिकल चेंजेस इज रेफर्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. तो जस्ट ये दोनों वर्ड को आप अच्छी तरह से समझना है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल एंड लूसिड एक्सप्लेनेशन so that you can remember the process of spermatogenesis. So spermatozoa or structure of a sperm, after this complete process of a spermatogenesis, spermatids are formed which undergo maturation by the process of spermiogenesis, and what we get is mature sperm. अभी स्पर्म के बारे में दो चार अच्छे लाइन बोलना पड़ेगा सो दैट हमें पता चलेगा कि भाई साहब है कौन. तो स्पर्मेटोजोआ कौन है, तो स्पर्मेटोजोआ आर हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मतलब जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है देन इंडिविजुअल, हैप्लॉइड है. मोटाइल, दिस मोटाइल मतलब वो घूमते रहते हैं बिकॉज ऑफ कौन, किसके आशीर्वाद से, टेल के आशीर्वाद से. दे आर एक्टिव, रेडी टू फर्टिलाइज, मतलब ये ओवम को फर्टिलाइज करके जायगोट तैयार करवा सकते हैं. एंड दूसरा, मोटाइल की जगह हम और एक मोटाइल को सपोर्ट करने के लिए वर्ड यूज करेंगे, दे आर फ्री स्विमिंग. सो दीज आर द वर्ड्स विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर द स्पर्म. नाउ दिस स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मा मतलब सीड, जोआ इज एनिमल, एनिमल का सीड, यहां पे मतलब इज स्पर्म. सो दिस स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म हैज गॉट फोर मेजर पार्ट्स, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. तो सबसे पहला पार्ट हमारा जो है वो किसका है, हेड, बहुत इंपॉर्टेंट है. वन बाय वन विल जस्ट लुक इन टू द पार्ट्स. आप रोक के लिख नोट्स तैयार करते करते ही पढ़ो, वापस इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये गारंटी है. ये जानबूझ के आपके सामने है बिकॉज ये प्रोसेस है, बार बार हम कौन से वर्ड यूज कर रहे हैं इसके लिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है. सो हियर वी हैव दीज स्पर्मेटोजोआ विच कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स. उसमें से सबसे पहला इज हेड वाला पार्ट, हेड के बाद में यू विल गेट अ नेक वाला पार्ट, नेक के बाद में ये मिडल पीस है और ये कौन सा है, लेग पीस है क्या, नहीं ये टेल वाला पार्ट है, आपको दूसरा ही कुछ सोचते रहता है. तो वी हैव अ हेड पार्ट. नाउ हेड इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट, एंटीरियर मोस्ट पार्ट एंड सबसे बल्जिंग, सबसे हेवी पार्ट है. अगर हम स्पर्म का साइज देखने जाए तो ये 60 माइक्रोमीटर इसकी वजह से है. किस वजह से, टेल की वजह से इतना बड़ा साइज है. टेल इज 6 times ग्रेटर देन दीज पार्ट्स. अभी डायग्राम पे आप मत जाइए, बट टेल कितना, 6 times ग्रेटर देन द बॉडी पार्ट्स.
इसलिए वो लंबा दिखता है, मोटा नहीं है लंबा ज्यादा है। तो 60 माइक्रोमीटर और 0.001 आप क्या 0.05 नैनोमीटर, मतलब 0.005 नैनोमीटर पकड़ेंगे या माइक्रोमीटर, आप कैलकुलेशन भी और मच मोर बेटर देन मी। सो एंटीरियर मोस्ट पार्ट नाउ, ये जो एंटीरियर मोस्ट और प्रॉक्सिमल नियर वाला पार्ट है ओवल इन शेप, सो ओवल है एंड कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स, एक न्यूक्लियस है एंड दूसरा इज ऊपर वाला पार्ट, सो दिस विल बी न्यूक्लियस एंड ये वाला पार्ट जो है ये उसको हम बोलेंगे एक्रोसोम। ट्राई टू रिमेंबर दिस पार्ट, ये बहुत जरूरी है अभी फर्टिलाइजेशन जब सीखेंगे तब। सो वी हैव टू पार्ट, द न्यूक्लियस एंड द एक्रोसोम विच आर या विच टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द हेड पार्ट। नाउ जो एंटीरियरली कवर्ड एक्रोसोम है, एक्रोसोम एक्चुअली इज लाइसोसोम, लाइसोसोम है एंड इट कंटेन्स एंजाइम, उसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ स्पर्म लाइसिन नाम का एंजाइम है और वो एंजाइम का नाम जो है वो है हाई अल यूरोनिडेज, लास्ट में एंजाइम है या ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, मीन्स ये हाई अल्यूरोनिक एसिड को ही जाके तोड़ेगा बायोमोलिक्यूल, बराबर एक नहीं है लाइसिन। ये किस कौन से क्लास में आएगा, हाइड्रोलेज क्लास में आएगा, कौन सा लाइसिन वाला एंजाइम, ब्रेक डाउन ब्रेकअप करने वाला है, याद रखते जाओ। ऐसे ऐसे वर्ड को आप पीछे के एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन याद आना बहुत जरूरी है आपको। एंड न्यूक्लियस कंटेन्स हैप्लोइड स्ट्रक्चर, तो उसमें न्यूक्लियस में क्या रहेगा कि इट विल कंटेन ऑल द जेनेटिक मटेरियल दैट इज बीइंग प्रेजेंट इन इट। सो अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस ये जो एक्रोसोम है इज कवर्ड बाय दिस फिब्रिलियर शीट, मतलब ये जो शीट है ये पूरा स्पर्म को कवर करता है, पूरा स्पर्म को, जैसे अपना मोबाइल के लिए वो गोरिल्ला ग्लास है ना, धक्का नहीं लगना चाहिए इसलिए। देन हेड के बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो नेक वाला पार्ट है। तो हेड पार्ट आपको समझ में आया रहेगा, इंपॉर्टेंट क्या याद रखेंगे इसके लिए, हाई अलोनिडेज नाम का एंजाइम दैट इज नोन एज अ स्पर्म लाइसिन, वो किसमें है तो ये हेड वाला पार्ट है। गेटिंग इट और नॉट, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे ज्यादा गॉल्गी कॉम्प्लेक्स स्पर्मेटोजोआ में होते हैं, स्पर्मेटोजोआ, तो जो बनते बनते क्या हो जाता है उसमें से आपको ये लाइसोसोम बनेगा, शेप एक्वायर करेगा कैप जैसा और फिल्ड विद दिस लाइसोसोम और लाइस्पर्म लाइसिन और हाई अल यूरोनिडेज। ऑलराइट, तो हेड वाला पार्ट आपके लिए हो गया। दूसरा पार्ट आपके लिए हेड के बाद में है नेक रीजन। नेक रीजन बहुत छोटा है, ऑलराइट, एंड इसका बेसिक काम जो है वो कनेक्शन है, किसके बीच में कनेक्शन करवा रहा है, ये कनेक्शन बिटवीन मिडल पीस एंड हेड, ये दोनों के बीच में कनेक्शन करवाने का। और इंपॉर्टेंट क्या है, तो इट हैज गॉट, ये नेक रीजन में वी हैव सेंट्रियोल, और वो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल कहां पे लगते हैं, यस मियोसिस माइटोसिस में क्या होता है, एनाफेज कंप्लीट करने के लिए सेंट्रियोल की जरूरत है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल रिलीजेस फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स, हिटिंग इट और नॉट, तो याद रखो, वो नहीं है गो बैक। सो हियर सेंट्रियोल दो है, एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तो दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल, एक प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक वाला, डिस्टल इज दूर वाला, पीसीटी डीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन, वापस आ जाओ। सो वी हैव अ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है इट इज ऑलवेज इन एसोसिएशन विथ न्यूक्लियस एंड ये आगे जाके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो क्या करेगा, आगे जाके आपको क्लीवेज में काम में आएगा एंड फर्टिलाइजेशन में भी काम में आता है, मतलब ये स्पर्म के साथ ओवम में चले जाता है, ये पक्का याद रखो, मतलब ये थोड़ी देर के लिए स्पर्म का ये छोटा हैंड बैग है, इसके बिना फर्टिलाइजेशन होगा नहीं है। दूसरा जो सेंट्रियोल है ये वाला, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल, मतलब ये
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हुआ तो ये कौन सा हो गया, डिस्टल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल न्यूक्लियस के साथ में, डिस्टल सेंट्रियोल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बट डिस्टल सेंट्रियोल से एक फिलामेंट बाहर आता है, यही वो फिलामेंट है, यही वो फिलामेंट है जिसका क्या बनता है, टेल बनता है, और यही वो फिलामेंट है जो मिडल पीस में प्रोमिनेंट होता है। तो डिस्टल सेंट्रियोल से बीच में रेड कलर का आपको यहां लाइन दिख रहा है, तो ये मिडल पीस में प्रोमिनेंट होता है, और ये जो मिडल पीस में प्रोमिनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं निबेकर्न। स्पेलिंग आप देख लीजिए, सो दैट इज नोन एज निबेकर्न, के ई आर एन, निबेकर्न। कौन है निबेकर्न? इतना ही फिलामेंट, और ये फिलामेंट आगे जाएगा, गेटिंग इट ऑर नॉट। सो यहां पे नेक इन शॉर्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कौन से दो पार्ट्स है, तो आगे जाके ये मिडल पीस में जाएगा, याद रखिए, तो मिडल पीस में आपको समझने में इजी हो जाएगा। नेक पार्ट शॉर्टेस्ट, दो सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल न्यूक्लियस के साथ एसोसिएट होगा, डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा, मिडल पीस में आपको क्या देगा, तो फिलामेंट प्रोवाइड करेगा, फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट की बात करेंगे, ये जो फिलामेंट है जो आगे जाके टेल में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एक्सियल फिलामेंट। नाउ आफ्टर द नेक वी हैव थर्ड टॉपिक, कौन सा है थर्ड टॉपिक, आपके लिए बहुत इजी है, नॉर्मल लेक्चर में रब किया तो सामने कुछ नहीं रहता है, यहां पे आपको लगता है कि यार पीछे जाना है, पॉज, थोड़ा पीछे जाओ, वापस देखो, बहुत टेक्नोलॉजी का आप यहाँ पे फायदा हो सकता है, लेकिन सामने बैठ के जो पढ़ेंगे वही अच्छा है, आपको सामने सामने दिखता है, बराबर है, नहीं ये कैसे आप क्या कर रहे हैं क्या पता नहीं चलता है ना। सो नेक रीजन हो गया, नेक रीजन के बाद में अपना आया मिडल पीस। नाउ मिडल पीस जो है ये द थर्ड पार्ट है, किसका, स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ का, ये बिहाइंड, प्रेजेंट कहां पे है, बिहाइंड सेंट्रियोल, और मिडल पीस का स्पेशलिटी क्या है यहां पे, कि शेप वाइज कैसा ये सिलेंड्रिकल है। नाउ इसमें क्या क्या होता है, दो पार्ट्स, एक तो ये आपको जो कॉइल कॉइल जैसा समझो, ये कॉइल कॉइल जैसा, तो राइट द वर्ड हियर, स्पाइरल, अपना डीएनए जैसा, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियन है, एंड यू गॉट एन एक्सियल फिलामेंट, एंड जिसको हमने अभी नाम क्या दिया था, निबेकर, है ना, निट लक्ष्य ठेवा, निबेकर। सो एक्सियल फिलामेंट एंड माइटोकॉन्ड्रियन है, अभी माइटोकॉन्ड्रियन, और ये भी पार्ट किससे कवर है, फेबिलियर शीट से, माइटोकॉन्ड्रियन का काम क्या है यहाँ पे, यस, पावर हाउस ऑफ सेल, हर सेल बोलता है अपना सपना एटीपी, एटीपी, तो जो फंक्शनिंग के लिए एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए वो किससे मिलेगा, ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियन से मिलेगा, एंड ये जो है एक्सेल फिलामेंट फर्दर गिव्स राइज टू किसको देगा, ये टेल के लिए, गेटिंग इट आर नॉट। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियन से आपको क्या मिलेगा, यूल गेट एनर्जी, एनर्जी का के लिए, तो ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एज वेल एज स्पर्म को जो फ्री स्विमिंग करना है, मूवमेंट करना है, उसके लिए मिलेगा, गेटिंग इट आर नॉट। सो ये रहा किसके बारे में, मिडल पीस के बारे में। सो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन एंड एक्सेल फिलामेंट प्रोड्यूस फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल। लास्ट पार्ट जो है दैट इज टेल रीजन, सबसे लार्जेस्ट है टेल रीजन, सबसे कैसा है ये, लार्जेस्ट बात करो आप, लार्जेस्ट के साथ साथ यू कैन यूज द वर्ड लॉन्गेस्ट ऑल्सो, तो ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, सबसे थिन है, पतला वाला है, गेटिंग इट ऑर नॉट। सो लार्जेस्ट है, थिनेस्ट है, टेपरिंग है, आगे जाके छोटा छोटा होते गया है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हम बोलेंगे ऐसा, इट इज टेपरिंग वन। सो लार्जेस्ट थिन है, टेपरिंग है, बट इसमें वी गॉट टू थिंग्स, किसमें, टेल रीजन में। आप हर एक छोटा पैराग्राफ को ऐसा एरोज में, आपका लैंग्वेज में, आपका फॉर्मेट में लिखो, इजी हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट
विच इज एक्टिंग एज अ टेल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. लार्ज अमाउंट ऑफ क्या उसमें रहेगा? साइटोप्लाज्म है. तो दिस साइटोप्लाज्म जो है एंड एक्सियल फिलामेंट, फिलामेंट भी कौन सा? एक्सियल फिलामेंट एंड साइटोप्लाज्म. अभी ये जो स्पर्म का ये जो इतना बड़ा टेल है, इट शोज लैशिंग मूवमेंट. ये कुछ वर्ड्स है जो वही चलिए. सो हियर द फंक्शन क्या है टेल का यहां पे? लैशिंग मूवमेंट. स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट आपने देखा कि वो सर्विक्स से लेके फैलोपियन ट्यूब तक जाना है. डायग्राम डायग्राम बहुत अनिवार्य है. तो ये जो मूवमेंट उसको बताना है, ये मूवमेंट इतना दूर जाने के लिए उसको क्या चाहिए? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड, कि लैशिंग मूवमेंट के लिए व्हाट इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज टेल रीजन. एंड ये जो टेल रीजन है इसका ये बेसिक फंक्शन है. सो हियर स्पर्म विच इज बीइंग डिवाइडेड इंटू फोर मेजर पार्ट, हेड नेक मिडल पीस टेल एंड हेड नेक मिडल पीस एंड टेल, ऑलराइट, विथ ईच फंक्शन. तो दिस वॉज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म. सो वंस अगेन लेट अस रिकॉल दिस हॉटलाइन, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स इंटू प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इंटू प्राइमरी गैमेटोसाइट, सेकेंडरी गैमेटोसाइट्स एंड गैमेट्स. ये याद रहा तो आप, ये मर्म है, गैमेटोजेनेसिस का मर्म है. दूसरा टॉपिक दैट इज ऊजेनेसिस विल बी मोर सिंपलर नाउ. ऊ हियर ऊगोनिया ओवम एंड जेनेसिस रिफर्स टू फॉर्मेशन. द प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस इज या व्हाट हैपन्स इन द प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और दूसरा नाम उसको क्या यूज करेंगे, ऊटिड. नेम यूज इज ऊटिड, यहां पे जैसे स्पर्मैटिड वैसे यहां पे इट विल बी ऊटिड, द फॉर्मेशन ऑफ ओवम. नाउ व्हाट इज द साइट वेयर दिस इज बीइंग फॉर्म? सो दिस ओवम और ऊटिड इज बीइंग फॉर्म विद इन द ओवरी. तो एज वी से ओवरी में दिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ओवरी में भी कहां पे? तो इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, व्हाट वी हैव इज जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. क्या है हमारे पास में? जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. दिस विल बी ओवेरियन कॉर्टेक्स में, डू रिमेंबर दिस. तो दीज जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स विल बी नाउ एक्टिंग एज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. ये समझना, इसका विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है. तो जैसे जैसे आप अच्छी तरह से इसको विजुअलाइज कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली. सो हियर दीज फॉर्मेशन कहां पे होता है? ये ओवरी में. ओवरी में कहां पे? ओवेरियन कॉर्टेक्स. ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स के किसमें? जर्मिनल इपिथेलियम, जर्मिनल इपिथेलियम. दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस टेक्स प्लेस. एंड ये जो प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस है, ये ओवरी में हम लोग बोलेंगे, ओवरी क्या है? फीमेल गोनेड है. टेस्टिस क्या है? मेल गोनेड है. जैसा यू मस्ट बी नाउ एक्वेंटेड विद स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्री स्टेप्स, सेम थ्री स्टेप्स यहां पे भी हो रहे हैं. कौन से थ्री स्टेप्स? सबसे पहला याद करो कौन सा है, ये माइटोटिक फेज, जिसको हम वर्ड यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन. फेज कौन सा? मल्टीप्लीकेशन. ऑलराइट, नो एज इफ या एज वी जस्ट से एज वी डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, कि ऊजेनेसिस में पहला स्टेप, ऊजेनेसिस टेक्स प्लेस इन थ्री फेजेस. पहला इज मल्टीप्लीकेशन, दूसरा इज ग्रोथ फेज एंड थर्ड वन मियोटिक और मैच्यूरेशन फेज. ये फेजेस है. सो वी हैव मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन. मैच्यूरेशन नथिंग बट मियोसिस फेज यहां पे होगा. ऑलराइट, सो डू रिमेंबर दिस. ना अपना वही घिसा पिटा स्टोरी है. क्या स्टोरी यहां पे? कि जो प्राइमर्डियल जर्म सेल्स है वो कहां पे तैयार हो रहे? अभी हमने देखा कि यूटेराइन कॉर्टेक्स के जर्मिनल एपिथेलियल से तैयार हो रहे.
नाउ दीज द प्राइमोरियल जर्म सेल्स क्या हो जाएंगे, दे विल कंटिन्यूअसली अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, मतलब एन नंबर में प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये कब होते पता है आपको? पता है कब? ये फीमेल बेबी का डेवलपमेंट मदर सून में होता है ना, ये प्रोसेस तभी हो रहा है, तभी हो रहा है ये प्रोसेस। हमने ओवरी का स्ट्रक्चर में देखा था कि ऑलमोस्ट 2 मिलियंस इमेच्योर ओगोनिया या ये प्रोड्यूस हो रहे, कब? बिटवीन 3 मंथ टू 7 मंथ। बाद में ये प्रोसेस यहां तक होता है, कहां तक? प्राइमरी ओसाइट फॉर्मेशन तक, एट द टाइम ऑफ बर्थ। एंड ओव्यूलेशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहां पे आपको नीट समझ के लेना है, एनडब्ल्यूटी नीट समझ के ले लो कौन सा प्रोसेस कब हो रहा है, उसको बाजू में एक रेड मार्क से, रेड पेंसिल से नोट करो, इट विल बी इजी फॉर पीपल। मल्टीप्लीकेशन वी हैड फिनिश्ड। ग्रोथ फेज वही है, क्या है? मस्त ले खा रहा है, पी रहा है, ऐश खाओ पे ऐश करो, मस्त एकदम दे दना दन खा पी के एकदम बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब न्यूक्लियस एक्टिव हो गया, साइटोप्लाज्म दे दबा गया, गया बराबर नहीं है ना। ये उगोनिया, उगोनिया कौन है? पहले ही हमने डिस्कस किया है, उगोनिया मतलब ना दीज सेल्स आर गोइंग टू गो फॉर द डिविजन, रादर दे आर रेडी फॉर द डिविजन। जब तक रेडी नहीं है तब तक, या डिविजन के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहे तब तक क्या ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन बोलेंगे ना अभी हमको आगे जाना है, तो विल बी कंसिडर्ड एज उगोनिया, मीन्स ये सेल हैज गॉट अ कैपेसिटी टू अंडरगो फर्दर चेंजेस। हम बोलते ना डर के आगे जीत है, ये डर के आगे जीत है, समझते जाओ। सो हियर वी हैव प्राइमरी ओसाइट, दैट इज अ ग्रोथ फेज कंप्लीट हो गया। नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट फॉर मियोटिक फेजेस, क्योंकि ये एज स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा नहीं है, ये फर्क है दोनों में। जैसे ये खत्म हो जाएगा, आप स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस का बाजू बाजू में जो एनसीईआरटी का चार्ट है वो सामने रखो, समझ में आएगा। मियोटिक फेज में व्हाट विल हैपन? मियोसिस होगा, यहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सॉरी प्राइमरी ओसाइट मतलब ओवम फॉर्मिंग सेल विल अंडरगो फर्स्ट डिवीजन, बट ये डिवीजन इज अनइक्वल। अनइक्वल मतलब यहां पे दो सिमिलर आइडेंटिकल सेम सेम सेल्स फॉर्म होते नहीं है, एक बड़ा सेल्स फॉर्म होगा तो दूसरा विल बी सम छोटा सेल्स। ये एक्टिव रहेगा, ये इनएक्टिव सेल्स है, मतलब एज फार एज फर्टिलाइजेशन कंसर्न ये आउट ऑफ द रेस हो गया, जो जीता वो सिकंदर। ये आ गया सेकेंडरी ओसाइट। नाउ दिस सेकेंडरी ओसाइट जब फॉर्म होगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब तक हमने क्या देखा है, कौन सा फेज देखा है? मल्टीप्लीकेशन फेज, जहां पे प्राइमरी ओसाइट अंडरगो मैच्यूरेशन और मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विल टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म इज सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अनइक्वल डिवीजन है यहां पे। अनइक्वल डिवीजन क्यों है? क्योंकि आगे जाके ओवम को बहुत सारा साइटोप्लाज्म चाहिए, बहुत सारा, और डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, एक को मार दिया, दूसरा मस्त एकदम जिंदा है, टाइगर जिंदा है जैसे। ये आ गया कौन? सेकेंडरी ओसाइट। अभी सेकेंडरी ओसाइट भी वही करता है जो प्राइमरी ने किया, वो भी क्या करता है अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन जो अनइक्वल है। और यहां पे आपको क्या मिला है? सेकंड पोलर बॉडी एंड ओटिड और ओवम मिला है। सो सेकेंडरी ओसाइट विल अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म ओवम और ओटिड, एंड आपको ये पोलर बॉडी मिलेगा। अभी ये दो पोलर बॉडी का सवाल ही नहीं आता, ये बाजू में चले गए। ये जो पोलर बॉडी है, लेटर ऑन जब ओवम का और मैच्यूरेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल बनना शुरू होता है, तो ये सेकंड पोलर बॉडी इसको चिपक जाता है, चिपक के आगे आएगा। तो याद रखो ये सेकंड पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद। तो ओवरऑल पोलर बॉडी कितने हो गए? 3। आप बोलेंगे सर 1, 2, 3, 4, भैया ये डिवाइड होके ये दोनों बने, बराबर नहीं है। सो 3 पोलर बॉडीज व्हाट यू गेट। अभी सेकेंडरी ओसाइट एंड पोलर बॉडीज अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन, ये दोनों हो गए, क्या बन गया आपके पास में नाउ? तो ये सेकंड मियोटिक डिवीजन हो गया, कौन सा? यहां पे, यहां से आके यहां तक सेकंड मियोटिक डिवीजन। लेकिन ये सेकंड मियोटिक डिवीजन मेटाफेज 2 को अरेस्ट हो जाता है। मेटाफेज 2 मतलब यहां पे ये प्रोफेज 1 मेटाफेज पीमत, प्रोफेज मेटाफेज जाना पे स्टिलोफेज, ये कंप्लीट हो गया। यहां पे प्रोफेज मेटाफेज, मेटाफेज में लॉक हो गया, क्यों? इसके पास में सेंट्रियोल नहीं है। अभी ये सेंट्रियोल कौन देता है? तो स्पर्म का
न्यूक्लियस के बाजू में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जब फर्टिलाइजेशन होगा यहां पे आएगा तो वो सेंट्रियोल काम में आएगा, याद करो, याद करो तो काम में आएगा। सो हियर मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन में सबसे पहले हमारे पास में क्या हो रहा है, तो प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट का क्या बन रहा है, डिवीजन होके सेकेंडरी ओसाइट प्लस पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी का सवाल ही नहीं है, सेकेंडरी ओसाइट विल अंडरगो सेकेंड डिवीजन टू फॉर्म ओवम और ओटिड, लेकिन ये कब तक अरेस्ट हुआ है, मेटाफेज टू तक, बाकी कब कंप्लीट होगा, तो रेस्ट विल गेट कंप्लीट विद इन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये रहा इसके रिगार्डिंग। सो ये जो अनइक्वल डिवीजन है जिसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अनइक्वल डिवीजन के बाद में ओवम इज बीइंग रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, यहां पे ओवम जो है किसके लिए रेडी है, तो फर्टिलाइजेशन का बेसिक प्रोसेस के लिए रेडी है। अभी देखो पहला प्रोसेस समझने के लिए आपको मे बी आधा घंटा लगेगा, कितना आधा, लेकिन ये प्रोसेस को यू कैन एकदम इजीली या एक फटाफट एक 4 से 8 मिनट में आप समझ भी सकते हैं, डायग्राम भी याद कर सकते हैं और फटाफट आप क्या कर सकते हैं उसको लिख भी सकते हैं। ये हो गया रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ किसके बारे में, ओजेनेसिस। अभी ओजेनेसिस हुआ है तो ओवम का स्ट्रक्चर इमीडिएटली ये लर्न करेंगे। ओवम के बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी वी हैड स्टडीड, स्पर्म को हमने पहली बार पढ़ा था, बट ओवम को इसके पहले हमने जब ओवरी का फॉर्मेशन वहां पे ग्राफियन फॉलिकल का पूरा के पूरा स्टडी किया है, सारे लेयर्स आपको पता है, बट अभी 2 मार्क का या थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो हाउ वी शुड अप्रोच टू दैट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये जैसा आपको पता है, ब्रदर वी हैव स्टडीड कि ओवम इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, एंड ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये क्वाइट लार्जर देन इसे स्पर्म से है, ऑलमोस्ट 100 माइक्रोमीटर साइज है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, कैसा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। अभी स्पर्म 60 माइक्रोन है बट उसका टेल लंबा है, यहां पे कैसे ये राउंड स्ट्रक्चर है, ऐसा बोलते हैं कि दिस स्पर्म जो है, स्पर्म इज 200 टाइम्स छोटा है, किससे, ओवम से, उल्टा बोलेंगे तो ओवम इज 200 टाइम्स ग्रेटर देन द स्पर्म, गेटिंग इट और नॉट। तो हियर वी हैव दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, कौन किसका, ओवम का। नाउ उसके बाद में जैसा हमने स्पर्म के लिए बोला था मोटाइल है, फ्री स्विमिंग है, बहुत सारे वर्ड बोले थे, इसके लिए वो सब उल्टा है, कैसा ये, सबसे पहले तो ये नॉन मोटाइल है, आलसी है ना, हमने बहुत बार देखा है कि फीमेल गैमेट अपनी जगह पे रहेगा, वो काका कोई ढूंढते ढूंढते काकू के पास में आना पड़ेगा, ये देखो आप, सो नॉन मोटाइल है, बराबर है, स्फेरिकल है, ऑलराइट, एंड ओवल, ओवल इन शेप। नाउ एज फार एज ओवम इज कंसर्न, यहां पे ह्यूमन में ओवम इज माइक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, माइक्रो हियर रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ यॉक, एक में यॉक अगर है तो लेसिथल, बिल्कुल नहीं है अलेसिथल, एंड यहां पे माइक्रोलेसिथल मीन्स वेरी 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 लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में है माइक्रोलेसिथल, है ना, राधर हम बोलते हैं ये फ्री फ्रॉम यॉक है, ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम यॉक, ओके, तो ये वर्ड नीट याद रखी है, getting it or not? तो ओवम जो है, ओवम में कब प्रोड्यूस होता है ओवम, या राधर दिस ओवम इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, बराबर, नहीं ये ओव्यूलेशन में कौन से फॉर्म में आएगा, कौन से फॉर्म में आएगा, तो सेकेंडरी ओसाइट, कब रिलीज होता है ये, सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, गेटिंग इट और नॉट, एंड देन बाकी प्रोसेस जो है वो कब कंप्लीट होता है, ये पूरा ओवम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस कब, हाँ फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवम इज रिलीज एज अ सेकेंडरी ओसाइट स्टेज। तो उसमें व्हाट इज प्रेजेंट, सेकेंडरी ओसाइट में जब रिलीज होता है डिविजन के टाइम पे तो इट कंटेन्स 2 पार्ट्स दैट रादर सेकेंडरी ओसाइट कंटेन एबंडेंट साइटोप्लाज्म, बहुत सारा क्या है उसमें, साइटोप्लाज्म है, एबंडेंट साइटोप्लाज्म जिसको हम वर्ड यूज करते हैं
ऊप्लाज्म, क्या वर्ड यूज करेंगे, ऊप्लाज्म। न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल बिल्कुल नहीं है, न्यूक्लियस है अपने पास में, सो दिस आई यूज द वर्ड न्यूक्लियस, या उसको जर्मिनल वेसिकल भी वर्ड बोलते बहुत बार, न्यूक्लियस और जर्मिनल वेसिकल, न्यूक्लियस और जर्मिनल वेसिकल। नाउ वंस दिस जर्मिनल वेसिकल्स आ गया तो ये ओवम हो गया, लेकिन ये खाली ओवम नहीं है, इसको लेयर्स, और कौन से तीन लेयर्स है, तो विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा। देखो याद करो अभी, व्हाट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन इज नथिंग बट आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ, सी द फर्स्ट लेयर नाउ, विटेलाइन मेम्ब्रेन। सो ओवरऑल ओवम जो है नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, कैसा ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, माइक्रोलिसिटल है, मींस यहां पे योक का अमाउंट जो है वो बहुत कम है। दूसरा, दिस हैज गॉट ऊप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। वी फर्स्ट मेम्ब्रेन जो है कौन सा, विटेलाइन मेम्ब्रेन, दिस विटेलाइन मेम्ब्रेन इज नथिंग बट कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड इट्स वेरी थिन ट्रांसपेरेंट, तो प्यारा लेयर है, बहुत ही थिन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट सेकंड लेयर विच इज सिक्रेटेड बाय विटेलाइन मेम्ब्रेन, दैट इज जोना पेल्यूसिडा, इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर, सी दिस नॉन सेल्यूलर, मतलब न ये किसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न खुद ये सेल है, ये नॉन सेल्यूलर है, जैसा हम लोग प्लांट सेल वॉल के लिए वर्ड यूज करते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल, है ना, दोनों के बीच में हम बात करते हैं, तो प्राइमरी सेल वॉल, सेल प्लेट, लाइकवाइज, सो यू विल गेट दीज आइडियाज। तो यहां पे ये नॉन सेल्यूलर है, कौन सा, जोना पेल्यूसिडा। नाउ इट इज बीइंग सीक्रेटेड बाय विटेलाइन मेम्ब्रेन इटसेल्फ, उसको सीक्रेट कर रहे, बराबर नहीं है। नाउ ये नॉन सेल्यूलर लेयर कंसिस्ट ऑफ अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है इसको नाम है हायलुरोनिक एसिड। इमीडिएटली यू रिमेम्बर हायलुरोनिडेज नाम का एंजाइम रेडी है, कहां पे, स्पर्म का एक्रोसोम में, तो ये हाई अल्यूरोनिक एसिड किसमें है, तो आपका जोना पेल्यूसिडा में। व्हाट इज अ कोरोना रेडिएटा, तो आपका भी सेकंड लेयर आया था, कौन सा था सेकंड लेयर आपके पास में, नाउ सिक्रेटेड बाय होम विटेलाइन मेम्ब्रेन इटसेल्फ, ये सेकंड लेयर है, सो दिस सेकंड लेयर इज नाउ जोना पेल्यूसिडा। नाउ थर्ड लेयर कोरोना रेडिएटा है, तो ये सिंपल है, जो फॉलिकुलर सेल्स है ये यहां पे चिपक जाते हैं एक दूसरे में, दे ग्लूड, ग्लूड मतलब ये हम वो शेंगदाना चिक्की खाते तो शेंगदाना कैसे चिक्की में जाके घुस जाते, वैसे ये सेल्यूलर लेयर है, तो यहां पे हम बोलते हैं ये कोरोना रेडिएटा है। तो ये जो कोरोना रेडिएटा है ये क्या है, सेल्यूलर लेयर है, यहां पे सेल्स आर बीइंग ग्लूड, या सेल्स क्या हुए है, हाई अल्यूरोनिक एसिड वाला वो जो लेयर है उसमें जाके ये क्या हो गए, पक्के बैठ गए। तो ये जो कोरोना रेडिएटा फॉर्म बाय फॉलिक्यूलर सेल्स, तो आपको अभी ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या बोल सकते हैं यहां पे कि ओवम हैज गॉट थ्री कवरिंग्स, इनर मोस्ट विटेलाइन मेम्ब्रेन विच इज नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड विटेलाइन मेम्ब्रेन इज कौन सा लेयर है, जोना पेल्यूसिडा, नॉन सेल्यूलर है, कंटेन्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड नोन एज हाई अल्यूरोनिक एसिड, जिसमें फॉलिकुलर सेल आके क्या हो जाते हैं, वो केक के अंदर टूटी फूटी जैसे ना ये आइसक्रीम के अंदर यू गेट सम चोको चोको बाइट्स, वैसा ही आके वहां पे बैठ जाएंगे, कौन, तो हाई अल्यूरोनिक एसिड। अभी ओवरऑल ये थोड़ी देर के लिए इसको मैं बाजू में रखता हूं, ऑलराइट, इसको भी बाजू में रखेंगे, अभी याद क्या रखना है आपको, तो न्यूक्लियस के बाजू में यू विल गेट एक सेल, ये क्या है पता है, ये सेकंड पोलर बॉडी, ये डिवीजन है ना, तो ये डिवीजन हुआ है, मतलब ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ये आगे जाके फॉर्म होगा, तो यहां पे यू विल गेट पोलर बॉडी, और उसके साथ में ये क्या है, ये अभी हमने लिखा था दिस इज न्यूक्लियस, तो पोलर बॉडी एंड न्यूक्लियस फॉर्म्स ओवम का
क्या देता है ये ओवम के लिए? पोलैरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब राइट लेफ्ट, हमारे लिए पोलैरिटी है ना, वी हैव अ राइट लेफ्ट, वैसा टॉप एंड, तो वैसे इसको पोलैरिटी आता है. तो दिस वन इज नोन एज एनिमल पोल. एंड इसके अपोजिट जो है ये वेजिटल पोल है, मतलब भी ये कैसे, ये वेज तो दूसरा नॉन वेज है, एनिमल है, वेज नॉन वेज, वेज एनिमल पोल. एनिमल पोल बोले तो याद क्या रखना है, पोलर बॉडी विथ न्यूक्लियस. ये क्यों याद रखना है वापस से मैं आगे जाके बोलूंगा, मैं अभी भी बोल रहा हूं, स्पर्म को नियरेस्ट एंट्री इधर से, बात समझ में आई कि नहीं आपको? तो ये नियर बाय एंट्री जो है वो कहां से मिल रहा है आपको, एनिमल पोल से. तो ओवम को पोलैरिटी है, क्या पोलैरिटी, वेज एनिमल नॉन वेज ने. तो दिस वाज अ बेसिक स्ट्रक्चर रिगार्डिंग किसके बारे में, यस ओवम के बारे में. सो ओवम जो है इज अ लार्जर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, बट यहां पे क्या कमी है ओवम के पास में, खुद के पास सेंट्रियोल नहीं है, मियोसिस का मेटाफेज तक ही है. अभी कंप्लीट कब हो रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ये कुछ स्टेप्स यू मस्ट रिमेंबर फॉर द ओवम के बारे में. ऑलराइट, तो ये पूरा टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करता है. लेकिन ये सारे टॉपिक्स में विजुअलाइजेशन या इसके आगे भी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, आप जितना अच्छा विजुअलाइज करेंगे उतना आपके लिए वो बहुत फायदेमंद रहने वाला है. सो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट्स, दीज आर दी स्ट्रक्चर्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.